मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? और मुझे इसको छोड़ के आना पड़ेगा, ये कह रहा है मेरे पेट में दर्द है मम्मी, तो मेरे को स्कूल छोड़ के आओ। तो जैकेट पहनते हैं और इसको स्कूल में छोड़ के आते हैं। चलिए, सुबह सुबह मेरे को परेशान कर रहे हैं। चाबी ले ली क्या? कहाँ पे है? बेड पे। चाबी को भी नहीं रख सकते हैं ठिकाने सर, कभी कहीं कभी कहीं रख देते हैं गाइस। देखिए जाना है तब से कुट्टी साफ कर रहा है, नहीं तो ये हाथ नहीं लगाता दिख। बोल हेलो गाइस। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आप सब कैसे हो? लो, इतना छोटा नहीं है जो मुझे बुलाना पड़े, खुद ही बोल सकते हो पूरी लाइन। मुझे आधी बार तो ये सिखाता क्या बोल रहा है क्या नहीं। कई बार मिस्टेक हो जाती है गाइस। तो चलिए इस बंदे को स्कूल छोड़ के आते हैं। बैग लेके आ जाओ। तो चलिए, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर तो पता नहीं चलता अपन को ठंड है कि नहीं। और ये देखिए गा की लाइन लगी है बाहर, तो पता नहीं गाइस स्कूटी में क्या ढूंढते हैं कुत्ते। ये देखिए स्कूटी को खाने का तरह हो रहे हैं। ये देखिए हमारी भी एक दिन यहीं पे खड़ी थी तो पूरी शीट खिंडा दी थी। पता नहीं स्कूटी में भी क्या खाने को मिलता है इनको। ऐसा बजा देते हैं यहाँ पे टॉयलेट और गोबर कर देगी तो निकलना मुश्किल हो जाता है गेट से बाहर। चलो चल। तो बोले साइकिल दुआ मम्मी, साइकिल दिला दी मैंने। तो अभी ये दोनों टायरों से देखी, बिल्कुल हवा नहीं है, दोनों टायर पिचके पड़े हैं ना, और चैन भी खराब है इसकी, ना ये चलाते हैं ना इसकी देखभाल करते हैं, गल गई ये पड़ी पड़ी। मैं तब आंगन धोती हूँ तो मैं इसको भी धो देती हूँ। ना तो इस पे बैठ के स्कूल जाता है ना घर पे चलाता है, फालतू के पैसे एंड कर दिए। कितने की लेके आई थी? शायद 8-8.5 हज़ार की शायद मैं साइकिल लेके आई थी। तब से ये ऐसे ही खड़ी है, वैसे नई नई लेके आई, तब थोड़ी सी चलाई थी, बाकी तो ये पड़ी पड़ी खराब हो रही है। कब से ही टायर पिंचर पड़ा, कितनी बार बोल दिया पिंचर निकलवा दे, और शाम के टाइम पे खेल लिया कर इसके ऊपर बैठ के। पर नहीं, जो मर्जी है वही करनी है इनको, कोई चीज लानी होती है बस पैसे खराब कर दो मम्मी के, उसके बाद कोई गौर नहीं है चीज की। तो चलिए तैयार हो गया है, छोड़ देती हूँ इसको स्कूल में, तबीयत सही नहीं है फिर भी लेके जा रहा है मेरे को। छोटे बच्चे के लिए मैंने बनाया है चूरमा, और चूरमा मैंने डाल दिया, ये तो खा लेगा बड़े वाला, और छोटे वाला का मैंने टिफिन ये डाल दिया है क्योंकि चूरमा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने चूरमा बना दिया है, और अभी लंच में चूरमा खा लेगा वो। और चीज़ कोई का नहीं खाता है, वो चीनी का या बूरा चीनी का जो पीसते हैं उसका नहीं खाता, वो खाता है गुड़ का चूरमा, गुड़ और घी का। तो मैंने गुड़ का चूरमा बना लिया है, और तो ये लंच में दे के आ जाएगा और वो खा लेगा गाइस, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और सेहत के लिए गुड़ भी बहुत अच्छा रहता है, मैंने सुना है गुड़ अच्छा रहता है सेहत के लिए, तो वो गुड़ का चूरमा ही खाता है, कभी खांड का चूरमा कभी नहीं खाता, उसको यही पसंद है। तो चलिए बने रहिए मेरे आज के ब्लॉग में। तो गाइस मैं गाजर का जूस बना रही हूँ, गाजर लेके आई थी, और ये देखिए ऐसी कुछ हो चुकी है, तो मैंने सोचा ना तो ये खाने के काम आएगी और ना ये सब्जी के काम आएगी, तो मैं ये बहुत सारी हैं, इतनी सारी हैं, मैंने काट कूट के इनको अच्छे से रख लिया है, तो मैं सोचती हूँ इनका जूस बना के बच्चों को पिला दूँ और मैं भी खुद भी पी लूँगी। तो चलिए जूस बनाते हैं। तो आपको पीना है तो आ जाइएगा,
चार बज चुकी है और मैंने रोटी सब्जी की है, तो मैं रोटी सब्जी खा रहा है। तो गैस उस दिन तो चुकंदर था और आंवला था, तो उससे कलर भी एकदम से लाल लाल हो गया था, क्योंकि चुकंदर एकदम लाल होता है और आंवला भी था। आंवला भी सेहत के लिए बहुत सही होता है। तो आज सिर्फ गाजर का है, तो गाजर का थोड़ा सा ऐसे गाजरी कलर का ही होता है, लाइट रेड है, पिंक पिंक सा। तो चलिए गाजर का, अकेली गाजर का तो अच्छा भी नहीं लगता, पर क्या करें, गाजर खराब हो रही थी, खराब होने से तो अच्छा है ना, थोड़ा सा मैं पीऊंगी, थोड़ा सा बच्चों को पिलाऊंगी, और इतना निकला भी नहीं क्योंकि गाजर है ना एकदम सूख गई थी थोड़ी थोड़ी। तो कब लेके आई थी मैं, भैया आ रहे थे ना उस दिन लेके आई थी, शायद भैया आए थे बुधवार को, सॉरी बृहस्पतिवार को आए थे भैया, और शुक्रवार को जैसे इसका बर्थडे था, तो इतने में तो गाजर मूली खराब हो ही जाती है। तो पूरी सब्जी खा के नहीं गए, बहुत सारी तो अभी फ्रिज में भी पड़ी है, और ये भी देखिए टिंडा पड़े हैं और मूली भी पड़ी है, तो बच्चे खाते ही नहीं है। तो चलिए मैं इनको जूस दे देती हूँ, आप भी, आपको पीना है तो गाइस आ जाए। ये देखिए ऐसे वाइट वाइट सा है, ज़्यादा रेड नहीं है। तो चलिए ये देखिए गाइस, ऑटोमेटिक मशीन ली थी और मैं इस मशीन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो और कोई सोच रहा हो ना ऑटोमेटिक मशीन लाने की, तो कभी भी मत लेना, क्योंकि काम की नहीं है ये मशीन। अब इतनी आवाज़ कर रही है जैसे कूलर चल रहा है, और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं मेरे को लेके आई हुई ने, पर मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ ना। तो ये कपड़े साफ धोती है, पानी दुनिया से हद से ज़्यादा पानी ले लेती है, और इतने साफ कपड़े भी नहीं धोते हैं। कॉलर पे तो मैल चिपका ही रह जाता है, अगर अपने थोड़ा सा भी गाइस सांस भर जाता है, अगर अपने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मैल जम जाए ना, तो ये मशीन साफ करने वालों में से नहीं है। एक तो पानी ज़्यादा लेती है, सर्फ ज़्यादा लेती है, जो इंडियन होती है ना, जो दो दो बॉक्स वाली होती है, ये ऑटोमेटिक वाली काम की नहीं है गाइस। जब लाती है ना तब पदी लाके और यूज करते हैं ना, वो पता चलता है गाइस कि मशीन काम की है कि नहीं, पर ये बिल्कुल भी काम की नहीं है। वो मशीन थी जो मेरे कम से कम कितने साल चली है, 15-20 साल मशीन चली है, उसमें पायदान क्या, जूते क्या, सारी चीज़ें धो देती थी, तो अभी उसका कुछ नहीं बिगड़ता था। इसमें सिर्फ कपड़े धोते हैं गाइस, और वो भी रोज़ का नहीं धो सकते, और क्योंकि सरफ लेगी तो उस सरफ को फेंक देगी, वापिस यूज नहीं होता है। और उस मशीन में अपन कितना भी कुछ भी धो लें, लास्ट में मैं तो जूते भी धो लेती थी, पायदान भी धो लेती, लास्ट में अपन गंदा पानी फेंकते थे पूरा इस्तेमाल करके। ये तो चाहे इतना सरफ डालो चाहे इतना डालो, एक बार ही यूज करेगी, अपने आप ही फेंक देगी। आई जो कोई लेने की सोच रहा है ना, तो कभी भी मत लेना ऑटोमेटिक मशीन, कभी मत लेना। पानी दुनिया से नारा के नाती है, वैसे भी राजस्थान में तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इतना पानी ये लेगी, चाहे दो कपड़े दो और चाहे 20 कपड़े दो, ये पानी उतना ही खींचेगी, तो कोई मतलब नहीं है गाइस। और इसमें है ना अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डल जाए ना, तो इसमें है ना बदबू भी आ रही है, और पहले आवाज़ नहीं करती थी जब कपड़े सुखाती थी, अब कपड़े सुखाने वाली चलाती हूँ तो पानी मांगने लग जाती, जब पानी मांगने की ज़रूरत कहाँ है मशीन को, जब मैं कपड़े सुखा रही हूँ ना, तो पानी मांगने की कहाँ ज़रूरत है, फिर वो ही ऑन हो जाता है अपने आप ही। आपको मैं दिखाती हूँ गाइस, बीच में ही बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पे होती है फुल तब तो ये कपड़े धोती है, यहाँ आती है तो ये फिर निचोड़ती है साफ पानी से, यहाँ पे आती है तो सुखा देती, तो मैं बार बार ये दाब रही हूँ, फिर ये दब जाता है, ये अपने आप ही ऑन हो जाता है,
तो गैस, और अभी देखिए टाइम पड़ी है, फिर भी ये पहले ही बंद हो चुकी है। और कपड़े है ना, आपको दिखाती हूँ, मैंने 2-3 बार इस मशीन को सुखाने में डाल दिया, फिर भी कपड़े गीले हैं। कपड़े में से पानी ही टपक रहा है, 2-3 बार मैंने दबा दी है और ये 1 मिनट रहा है, बाकी 2 मिनट रहा था उससे पहले ही बंद हो चुकी है, यानी पूरा पानी निकला नहीं। अब इसको फिर चलाओ, मशीन का क्या मतलब होता है ऑटोमेटिक का, आग उसमें सर्फ तो दो डाल, पानी अपने आप लेगी। ये नल से कनेक्शन कराया हुआ है, क्या करूं गाइस, अब पूरे कंप्लीट होने के बाद ही, नई नई मशीन लेके आई थी मैं, पूरा कंप्लीट होने के बाद ये सीटी मारती थी तो मैं समझ जाती थी, मुझे देखने की जरूरत नहीं थी सिर्फ डालने के बाद। अब तो मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है। अब बोल रही है कुछ नहीं, देर बंद हो गई, अब बोल लिएगा इसे तो सही नहीं है गाइस, मैंने गलती कर दी, ऑटोमेटिक मशीन लेके बहुत बड़ी गलती कर दी गाइस। इससे तो अच्छा थोड़ी सी मेहनत कर लेते ना, सही रहता। मेहनत के चक्कर में मैंने सोचा सही होगी, ऑटोमेटिक ले लेते पर नहीं है। अगर आप गाइस सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, महंगी भी है उन मशीनों से और काम की भी नहीं है। तो गाइस मैं बना रही हूँ मिर्ची के परांठे, और ये परांठे बन चुके हैं। तो गाइस अगर मेरा गाइस ब्लॉग पसंद है तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, और करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।